लेकिन अब बात हिंदू राष्ट्र की, भारत को लेकर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा पहली दफा नहीं उठा। इसके पहले भी न जाने कितने लोग हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं। वो सियासी लोग भी होते हैं, वो संत समाज के लोग भी होते हैं, और कई बार इस पर मुस्लिम समाज की तरफ से भी रिएक्शन आता है। लेकिन इस समय जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये कि हिंदू राष्ट्र पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर धाम का समर्थन किया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत पहले भी हिंदू राष्ट्र था, अभी भी हिंदू राष्ट्र है और आगे भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। यानी कि हिंदू राष्ट्र के समर्थन में एक और बयान, बड़े कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा जिन्होंने समर्थन किया है धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का। धीरेन्द्र शास्त्री पहले कह चुके हैं कि भारत के विषय में हिंदू राष्ट्र पर कोई मतभेद होना ही नहीं चाहिए, कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सुनाते हैं आपको कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा क्या। हिंदू राष्ट्र भारत तो पहले से बना बनाया है, पूर्व में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जहाँ पर अच्छी सोच है, दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, हमारे भारत की भूमि पर जितने भी सनातनी भाव में लोग रहते हैं वो एक दूसरे के दुख दर्द को जानते हैं, अर्थात जहाँ पर सेवा का प्रकल्प होता है या एक दूसरे को समर्पण का भाव रखता है तो वहाँ पहले से हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। हालांकि बात कुछ भी गलत नहीं है, जहां सेवा है, जहां समर्पण है, वहां हिंदू राष्ट्र पहले से है। और वैसे भी हिंदू और सनातन परंपरा जो कहती है वो वसुधैव कुटुंबकम की परिपाटी को मानती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, पूरी सृष्टि अपना परिवार है। खैर, सत्य में इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन कल फिर कुछ और खबरों का सत्य आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।